हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है सी, कोई भी डिसीज होता है ना उसका अपन पता कैसे लगाते हैं? वी लुक फॉर द सिम्टम्स, सिम्टम्स के बेसिस पे डिसीज का पता लगाते हैं। बट सिम्टम्स कब आएंगे? जब आपको डिसीज हो जाएगा तब। सो इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, so in this technique we can find out the disease before the symptoms occur. Disease ज़्यादा फैले उससे पहले उसका पता लगा सकते हैं अपन through the technique known as molecular diagnosis. ठीक है, तो initially आप किस तरीके से पता लगाते थे? तो initially we used to wait for the symptoms, कि जो symptoms आ रहे उसके बेस पे आप पता लगा लोगे कि यार क्या disease है, या फिर There was serum, या फिर यूरिन एनालिसिस। सीरम या फिर यूरिन एनालिसिस किया जाता था। ठीक है, सो अभी के टाइम की अगर बात करें तो डिसीज कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज। ओके, वो अपने सिम्टम्स दिखाना चालू करे, वो आपकी बॉडी में स्प्रेड हो उससे पहले आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो। सो यहां पे मैं लिखूंगा disease can be detected at an early stage. ठीक है, तो कौन सी टेक्निक्स है? यहां पर अपन लिख देते हैं earlier. ठीक है, कौन सी टेक्निक से जिसके थ्रू आप डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हो एट एन अर्ली स्टेज? सो दैट इज वी हैव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, then it can be PCR. PCR का full form आप सबको पता है, that is polymerase chain reaction. ठीक है, and there is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA. ठीक है, तो ये techniques के through we can find out कि किस तरीके से disease आपको हुआ है, आप उसे पता लगा सकते हो before the symptoms or the disease becomes worse. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या किया जाता है? सो डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स को यूज किया जाता है। आई रोट दिस डाउन, रेडियो एक्टिव डीएनए इज यूज्ड एंड वी टेक P32 टू लेबल द डीएनए। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव डीएनए इज यूज्ड। सो क्या होगा, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, ये आपका डीएनए है, मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, रेडियो एक्टिव डीएनए यूज कर रहा हूं, तो जहां पे आपका डिजायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रेगमेंट जिसको आपने क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है रेडिएशन के थ्रू, वो जाके अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच हो जाएगा और इसको आप जब देते हो रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी में, इस डीएनए को आप
डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ग्लू दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डीएनए है वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके बाइंड हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी using silver nitrate solution। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो पैथोजन है उसका जो डीएनए है उसके ऊपर आपका रेडियोएक्टिव डीएनए क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और बाइंड हो जाएगा तब आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी में ऑब्जर्व करोगे, तो अगर वो सेगमेंट ग्लो करता है दैट मींस व्हाट, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लॉटिंग टेक्निक्स आती है, और ब्लॉटिंग टेक्निक्स का मैं नाम बताता हूं आपको, ब्लॉटिंग टेक्निक का नाम बताता हूं। सो वन ऑफ द ब्लॉटिंग टेक्निक इज सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो सदर्न ब्लॉटिंग में देर इज डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी मैंने दिखाया आपको। सो देर इज डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर एक और ब्लॉटिंग टेक्निक है विच इज नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉट, सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करें दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट की मैं बात करूं दैट इज प्रोटीन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इसमें इंटरैक्शन को देखा जाता है, एंड देयर इज अनदर वन दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जैसे सदर्न ब्लॉट में डीएनए डीएनए को बाइंड कराया जाता था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिवली लेबल डीएनए, उसी तरीके से यहां पे यूज किया जाता है डीएनए आरएनए, तो दिस इज नोन एज डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो सदर्न ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आप यूज कर सकते हो। सदर्न ब्लॉटिंग में दर इज डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, आप उस पर्टिकुलर डीएनए के डीएनए के साथ जो डीएनए है रेडियो एक्टिव लेबल उसको आप बाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रोटीन एंटीबॉडी इंटरैक्शन मतलब अगर कोई पेशेंट है कोई डिसीज से पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहा है तो उसकी बॉडी में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, तो उस एंटीबॉडी को आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आप सेम टेक्निक यूज करोगे, बट क्या यूज करोगे, आप आरएनए यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल एंड ईजी। Then another technique was PCR. PCR में क्या किया जाता है, pathogen can be detected at an early stage. Pathogen PCR का number क्या होता है, multiply करना। ठीक है, तो अगर वो pathogen आपकी body में है तो वो pathogen को आप क्या कर सकते हो, उसका number आप multiply करा सकते हो और फिर आप उसको detect कर सकते हो। PCR. So PCR is pathogens can be detected
pathogen can be detected by increasing their नंबर, ठीक है? आप उनका नंबर बढ़ा के उन्हें डिटेक्ट कर सकते हो. फिर देयर इज अनदर टेक्निक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, एलाइजा. सी एलाइजा इज इंटरेस्टिंग. इफ एनीबॉडी सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, तो उसकी बॉडी में क्या हो गया, वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा. तो आप क्या करते हो, आप उस एंटीजन को डिटेक्ट करते हो, एंटीजन को डिटेक्ट करते हो. और आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो एंटीबॉडीज. स्पेसिफिक डिसीज की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, है ना? तो आप उस एंटीबॉडी को यूज करोगे. तो अगर वो पर्टिकुलर एंटीजन उस पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो एंटीबॉडीज है क्या करेगी, एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगी, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो, है ना? अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी. और ये जो एंटीबॉडी है जिसको आपने इस एंटीजन के साथ अटैच, अगर एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो ये बाइंड हो जाएगा, पर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है. बट अगर बाइंड होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाइंड हो गया, देयर शुड बी सम इंडिकेशन. तो यहां पे आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी. इसके साथ एक और चीज अटैच होती है, दैट इज टर्म्ड एज एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी. देयर इज अटैचमेंट ऑफ एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी. और ये जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है, इट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द एंजाइम. किसके साथ अटैच होती है, इट इज लिंक्ड विद द एंजाइम. सो ये अटैच होती है पेरोक्सीडेज, इट इज अटैच्ड विद पेरोक्सीडेज या फिर एल्कलीन फॉस्फेटेज. एंजाइम नहीं है, फॉस्फेटेज या फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेज. ठीक है, मैं फिर से बताता हूं. जो एंटीजन अगर प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो ये एंटीजन है और आपने रिलीज किया एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी के साथ क्या अटैच है, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी अटैच्ड. तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड करेगी, ठीक है? तो जब ये बाइंड करेगी तो ये एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज जो आपके टेस्ट सैंपल में प्रेजेंट है वो भी बाइंड हो जाएगी एंटीबॉडीज के साथ. और वो जब एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो जाएगी, तो वी यूज वन मोर थिंग, दैट इज सबस्ट्रेट. एक सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, तो जो सबस्ट्रेट है it reacts with enzyme and color changes. ठीक है, so this is, ये जो antigen है कहां पे present हो गया, this is going to be in the collected serum of patient. तो उसके serum को आप test करोगे, तो test कैसे करना है, आपको एंटीबॉडीज ऐड करनी है. तो अगर उस सीरम में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएगी. जैसे एंटीबॉडीज बाइंड होगी तो जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज है ये भी बाइंड हो जाएगी. और इन एंटीबॉडीज, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज के पास क्या प्रेजेंट है, पेरोक्सीडेज, एल्कलीन फॉस्फेटेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये जो पूरी किट है टेस्ट किट जिसके अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो उस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे, ये एंजाइम्स रिएक्ट करेंगे. और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देयर इज कलर चेंज. तो जैसे ही जो सीरम है उसका कलर चेंज अगर हो जाता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर एंटीजन
उस सीरम के अंदर प्रेजेंट है. गेटिंग द आइडिया? ठीक है. So, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाता है तो आपको पता थोड़ी चलता बाइंड हो गया. सो आपको ये एंजाइम्स एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी अलोंग विद दिस एंजाइम्स इसलिए यूज करना पड़ा सो दैट देयर इज एन इंडिकेशन कि कलर चेंज हुआ है. कलर चेंज हुआ है मतलब जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट था वो रिएक्ट किया है एंजाइम के साथ. क्यों रिएक्ट किया है? क्योंकि जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है वो बाइंड हो गया है एंटीबॉडी के साथ. ठीक है. क्यों बाइंड हुआ है? क्योंकि एंटीबॉडी खुद बाइंड हो गया है एंटीजन के साथ जो सीरम ऑफ अ पेशेंट उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस टेक्निक इज नोन एज ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ठीक है. देयर आर सो मेनी वेरिएशंस अवेलेबल फॉर ELISA दैट वी वुड टॉक अबाउट इन द लेटर पार्ट्स. ठीक है. तो अभी आप कितना पता होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि एड्स की अगर बात करते हैं तो एड्स के केस में आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. या फिर एंटीजन तो आपके बॉडी के अंदर एड्स आ चुका है तो उस केस में आप क्या करोगे? जो उसकी एंटीबॉडी उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो एंटीबॉडी को आप यहाँ पे प्लेस कर दो और उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए जो एंटीजन होता है उसको आप आपकी किट में जो डिटेक्शन किट है उसके अंदर रखो. तो आप जब सीरम सैंपल लोगे पेशेंट का जिसके अंदर एंटीबॉडीज होगी और आपकी किट में से जब एंटीजन जाएगा तो एंटीजन क्या करेगा? अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो उसके साथ बाइंड हो जाएगा. आप इसको उल्टा भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ So this was molecular diagnosis. Other thing I would like to mention is biopatent. ठीक है. पेटेंट का मतलब आपको पता होगा. ठीक है. If I talk about patent, पेटेंट का मतलब होता है copyright. पेटेंट का मतलब होता है copyright. आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्निक डेवलप करी, आपने कोई लेट्स से आपने कार डेवलप करी. ठीक है. एंड दिस कार इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कार, इट रन्स ऑन सम न्यू टेक्नोलॉजी. तो आप क्या करोगे? इस कार को आपके नाम पे पेटेंट करा लोगे या जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो काम करती है उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लोगे. सो दैट क्या होगा? कोई दूसरा बंदा उस कार की टेक्निक को यूज करके यूज नहीं कर सकता. और अगर यूज करना चाहता है तो वो आपसे परमिशन लेगा. और आप अगर परमिशन दोगे तो ही वो क्या करेगा? उस कार की टेक्निक जो आपने डेवलप करी, मे बी सम स्पेशल काइंड ऑफ टेक्निक जिसके थ्रू कार रन करती हो, उस टेक्निक को यूज करके कार बना सकता है. एंड इन दैट केस आप यू कैन आस्क फॉर मनी. कि आप उसको बोल सकते हो कि भैया अगर आपको ये मेरी टेक्निक यूज करनी है तो आपको यू हैव टू पे मी सम अमाउंट ऑफ मनी. एंड इफ यू एग्रीज तो आप उसको टेक्निक बता सकते हो. ठीक है. सो आपके नाम पे कॉपीराइट किया है. ठीक है. उस पर्टिकुलर टेक्निक को देयर आर गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो ये काम करती है, जो कॉपीराइट देने का काम करती है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज किया बायो, तो बायो की अगर बात करूँ तो अगर आप कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करते हो, ओके, या आप कोई न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन करते हो तो आप उस पर्टिकुलर वैरायटी को, पर्टिकुलर टेक्निक को या पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को भी आप क्या करा सकते हो? पेटेंट करा सकते हो कि आपने बनाया है. ठीक है. आपके नाम के ऊपर पेटेंट हो जाएगा तो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता. सो बायो पेटेंट किस चीजों पे मिल सकता है? इट कुड बी फॉर जीन सीक्वेंस. ठीक है. और इट कुड बी फॉर ऑल्टर्ड जीन सीक्वेंस. कुछ नया जीन सीक्वेंस आपने बनाया है, इट कुड बी ऑल्टर्ड जीन सीक्वेंस. या फिर इट कुड बी अ, काफी सारी बात अपन कर रहे थे इनके बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल. ठीक है. या फिर कोई नई टेक्निक आपने डेवलप करी है, सम न्यू टेक्निक डेवलप्ड बाय यू. ठीक है. और अल्टरनेशन इन द टेक्निक. ठीक है. जिसकी वजह से द टेक्निक इज मोर इफिशियंट नाउ. और इट कुड बी फॉर अ ट्रेडिशनल नॉलेज. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? बायो पेटेंट करवा सकते हो.
ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ होता क्या है, देयर आर मेनी स्मार्ट पीपल जो क्या करते हैं, ये जो पेटेंट है इन पेटेंट को यूज करते हैं। जैसे कि बासमती की बात करते हैं, तो बासमती को इंडिया में काफी ज्यादा डेवलप कर रखा है। वी हैव 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज इन इंडिया। देयर आर 27 documented varieties of basmati, ठीक है, in India। अभी क्या किया, एक American company थी, उसने क्या किया, अपन ने इसको patent नहीं करवाया था, basmati grow करा था, we were not aware about it कि patent करवाना पड़ता है। तो the smart country America, उसने क्या किया, उसने the American company What he did is, उसने बासमती राइस लिया जो अपन ग्रो करते थे, और उसको एक दूसरी वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी, के साथ क्रॉस करा दिया। जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल थी इंडिया में, उन चीजों को लेके उसने क्रॉस करा दिया, और जो वैरायटी डेवलप हुई उसका नाम भी क्या रख दिया उसने, उसका नाम भी उसने रख दिया बासमती, ठीक है। और इस बासमती राइस को उसने अपने नाम पे पेटेंट करा दिया। मतलब जो चीज इंडिया में ग्रो कर रही थी काफी टाइम से बिना पेटेंट कराए हुए, ओके, उसको इस अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। तो अब क्या हो गया, अब इंडिया अगर बासमती ग्रो करता है, या इंडिया अगर बासमती को सेल करता है, या कुछ भी करता है बासमती राइस के साथ, इंडिया हैज टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट, जो ये कंपनी मांगेगी वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग ना, बिकॉज ऑलरेडी बासमती वॉज एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। कोई आई कंपनी उसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंडिया के पास अवेलेबल था, ठीक है। तो बाद में क्या किया, ये पूरी जो चीज है दिस इज रॉन्ग। हाँ, तो बाद में जाके इसका जो पेटेंट था वो कैंसिल कर दिया, पेटेंट वॉज कैंसल्ड, ठीक है, समझ में आ रही बात। So, इसीलिए पेटेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको दूसरी कंट्रीज एक्सप्लॉइट ना करें। जैसे हल्दी की बात करते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक वी हैव बीन यूजिंग सिंस एजेस, तो अगर कोई कंपनी आके उसे पेटेंट कर लेगी, बोलेगी यार टर्मरिक तो हमारा प्रोडक्ट है, ओके, हमारे नाम के ऊपर पेटेंट है, आपने पेटेंट नहीं कराया, हमारे नाम पे पेटेंट है, तो अब क्या होगा, अगर आप टर्मरिक यूज करोगे या कोई भी कंपनी टर्मरिक यूज करेगी अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो दे हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। सो ये तो काफी लूटने वाली बात हो जाएगी ना, कि इंडिया में तो टर्मरिक काफी टाइम से यूज में आ रहा है, ठीक है, दूसरी कंपनी का कहां से हो गया, फॉरेन कंट्री का कहां से हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन पेटेंट बिल 2 ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इंडिया पेटेंट बिल 2 जो है वो रिलीज हुआ है। आई विल टेक केयर्स, इट टेक केयर्स ऑफ इशू रिलेटेड टू बायोपेट। Take cares of issue related to biopatent. ठीक है, that is the India Patent Bill 2 Act. ठीक है, then जैसे किस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, वो जो हल्दी वाली में बात कर रहा हूं, बासमती राइस वाली बात कर रहा हूं, कि ऐसा कोई चीटिंग ना करे, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए वी हैव द इंडिया पेटेंट बिल 2 एक्ट। Then there is Genetic Engineering Approval Committee.
अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का क्या काम है कि कोई भी न्यू रिसर्च हो रहा है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स तो उसको अप्रूवल देने का काम इस अथॉरिटी का। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी काम लेके चालू हो जाओगे, कुछ भी बना दोगे, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अप्रूवल फॉर न्यू जेनेटिक रिसर्च वर्क, अप्रूवल फॉर न्यू जेनेटिक रिसर्च वर्क, ठीक है, डन। सो देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज बायोपायरेसी। एक और चीज होती है जिसे बायोपायरेसी कहा जाता है। पायरेसी का मतलब आपको बताइए, बायो पायरेसी क्या हो जाएगा? किसी ने पेटेंट करा रखा है उस चीज को आप यूज कर रहे हो विदाउट आस्किंग द परमिशन, बायो पेटेंट। Unapproved use of biopatent products, unapproved use of biopatent products, okay, I'm sorry, biopatent लिख दिया मैंने फिर से, biopiracy। Unapproved use of biopatent products, that is biopiracy, ठीक है। जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में एक शुगर का ऑल्टरनेट अवेलेबल है विच इज टर्म्ड एज ब्राजीन, ठीक है, ब्राजीन, और इस चीज को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज काफी टाइम से यूज करी जा रही है, ठीक है। तो मैं आप लिखूंगा since ages African countries are in trade of Brazil, ठीक है। so Brazil is an alternate for sugar, it is low in calories and good for health, alternative for sugar, ठीक है, मतलब स्वीट है बट इट डज नॉट कंटेन दैट मच कैलोरीज, ठीक है। और जो प्लांट है यहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है पेंटा डी प्लांड्रा, पेंटा डी प्लांड्रा ब्राजियाना, पेंटा डी प्लांड्रा ब्राजियाना इज द नेम ऑफ द प्लांट जहां से ब्रेजीन दैट इज द ऑल्टरनेट ऑफ शुगर ऑब्टेन किया जाता है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो काफी टाइम से इन चीजों को यूज कर रही है। तो अब क्या हुआ, जो जीन रिस्पॉन्सिबल था ये ब्रेजीन के फॉर्मेशन के लिए, उस जीन को एक अमेरिकन कंपनी ने क्या कर लिया, निकाल के उसको प्लेस कर दिया मेज के अंदर, अमेरिकन कंपनी isolated gene for brazing and
placed it in maize plant. ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, जो जीन है पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन मेज प्लांट की सीड्स में देखने को मिल रहा था. तो यहां लिखूंगा सीड्स कंटेन्ड मेज seeds contain brazing. ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने मेज में डाल दिया. ओके, आप बायोटेक पढ़ चुके हो, तो मेज में डाल दिया मेज प्लांट के अंदर इस पर्टिकुलर जीन को, जीन फॉर brazing. अब क्या हो रहा है, जो brazing का फॉर्मेशन हो रहा है मेज सीड्स के अंदर हो रहा है, contains brazing. ठीक है, आप brazing को फिर निकाल सकते हो सीड के अंदर से, आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज बायोपायरेसी, कि जो चीजें काफी टाइम से यूज हो रही थी वो पर्टिकुलर चीजें उस जगह के नाम से क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, पेटेंट हो जाएगी. मतलब जो ब्रेजिंग था ये किसका पेटेंट है, अफ्रीकन कंट्रीज का पेटेंट है. तो यहाँ पे इस अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बायोपायरेसी किया, उसने जीन निकाल लिया, सेम जीन जो ब्रेजिंग बना रहा था उसको निकाल के उनने मेज में, मेज प्लांट्स में यूज किया और उसके सीड में से ब्रेजिंग को एक्सट्रैक्ट करने लग गए. तो ये तो चीटिंग हो गया ना, कि पेटेंट नाम है अफ्रीकन कंट्रीज के, काफी टाइम से जो कंट्रीज उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करेगी ना, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के नाम पे क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, पेटेंट हो जाता है. तो मैंने लिखा है कि यार अफ्रीकन कंट्रीज काफी टाइम से यूज कर रही है, तो वो ब्रेजिन जो है या फिर जो प्लांट है पेंटा डी प्लांड्रा ब्राजीना, ये क्या हो जाएगा, उन अफ्रीकन कंट्रीज के नाम पर रजिस्टर हो जाएगा. तो ये जो अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे चीटिंग किया, जीन निकाल लिया प्लांट के अंदर से और उसको मेज में डाल दिया और मेज में फिर उसका प्रोडक्ट पाने लगे. तो जीन तो वही है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट तो सेम है, बट यहां पे उनने बायोटेक यूज करके क्या किया, मेज सीड के अंदर इसको प्रोड्यूस करवा दिया. सो दिस इज चीटिंग, सो दिस इज नोन एज बायोपायरेसी. ठीक है, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है विच इज द फ्यूचर, दैट इज बायो टेरर या फिर बायो वॉरफेयर. बायो टेरर, दिस इज द फ्यूचर, काफी बार यूज में आया भी है बट इतना फुल फ्लेज नहीं है. ठीक है, जैसे काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो कोरोना स्प्रेड हुआ है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायो टेरर. ठीक है, काफी लोग ये भी बोलते हैं कि जो एचआईवी का वायरस है जिससे एड्स होता है ना, दैट इज ऑल्सो अ प्लान्ड वायरस. ओके, जो क्या कर रहा है, दूसरी कंट्रीज के लोगों को अफेक्ट करेगा, उनका पॉपुलेशन कम करेगा, उनको वीक कर देगा, इनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक कर देगा. ठीक है, सो बायो टेरर बायो वॉर की अगर बात करते हो, तो वहां पे आप कोई बीमारी है, कोई वायरस है, उसको यूज करते हो और उसको यूज करके आप क्या करते हो, दूसरी कंट्रीज को अफेक्ट करते हो, है ना. तो पूरी कंट्री में कोई बीमारी फैल गई, एवरीबडी इज इंफेक्टेड, सो देयर इज नोबडी टू गो फॉर वॉर, नोबडी टू डू अदर वर्क. तो आप क्या कर सकते हो, उस कंट्री को अटैक कर सकते हो, खत्म कर सकते हो एंड यू विन द वॉर. ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बायो वॉर में, एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है. ठीक है, ये एंथ्रेक्स स्पोर से क्या होगा, एंथ्रेक्स डिसीज हो जाएगी. एंथ्रेक्स स्पोर से क्या होगा, एंथ्रेक्स डिसीज हो जाएगी. तो बायो वॉर या बायो टेरर में एंथ्रेक्स स्पोर्स को यूज किया जाएगा. अब सी, आप वॉर में यूज कर रहे हो, अलॉट ऑफ पीपल डाई, सो देयर इज नॉट नथिंग गुड अबाउट इट, बट फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई वुड सम कंट्री यूज एंथ्रेक्स स्पोर्स या फिर बायो टेरर या फिर बायो वॉर, व्हाई अ कंट्री वुड डिपेंड ऑन इट. द रीजन इज दे आर इजीली प्रोड्यूस्ड, आप इनको इजीली प्रोड्यूस करवा सकते हो. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
इज वेरी वेरी लो, काफी चीप है। तीसरा आप इन बायो वेपन्स को अगर रिलीज करते हो कोई कंट्री के ऊपर तो कोई बड़ा धड़ाका नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, साइलेंट रिलीज हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पानी में डाल दिया, खाने के आइटम में डाल दिया, एयर में रिलीज कर दिया, नो बडी वुड कम टू नो कि आपने रिलीज किया, तो दे आर रिलीज साइलेंटली। ठीक है, फिर जो हार्म ये कॉज करेगा जब तक सामने वाली कंट्री उसका वैक्सीन है या फिर उसके एंटी उसकी एंटीबायोटिक्स उसको ढूंढ ना ले तब तक ये क्या करेगा, लोगों को मारता जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच कंट्रीज दे डिपेंड और इन द फ्यूचर कंट्रीज वुड डिपेंड ऑन बायो वॉर और द बायो टेरर। ठीक है, सो इजिली प्रोड्यूस कर सकते हो आप स्पोर्ट्स को, या कोई दूसरे वायरस की आप बात करो या आप दूसरे बैक्टीरिया की बात करो, आप इजिली उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हो। काफी कॉस्ट कंपेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब, यहाँ पे कॉस्ट काफी कम होगा, काफी कम जगह भी चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब की कंपैरेटिवली। सो रिलीज साइलेंटली एंड डिस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, देन एक और जो पॉइंट है दैट इज बायो एथिक्स। ठीक है, बायो एथिक्स समझने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर एथिक्स। तो एथिक्स की अगर मैं बात करूं, those are standard norms, those are standard or norms set by a society. See, for a human being it is compulsory, or a human being is surrounded by a particular society. आप देखते हो आपके surrounding में काफी सारे लोग रहते हैं, each and every society or the locality has an individual mindset. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ethics कहा जाता है। जैसे काफी सारे non vegetarians जो होते हैं वो animals को kill करेंगे और consume करेंगे। ठीक है, so that is good, आप जानवर को मार के खा सकते हो, but वो जो non vegetarians है वो रस्ते पे पड़ा हुआ जानवर उठा के नहीं खाएंगे, because वो ethics के खिलाफ है ना, वो society के खिलाफ है कि आप non vegetarian food खा सकते हो, है ना, आप उस जानवर को मार के कंज्यूम कर सकते हो, बट वही मरा हुआ जानवर अगर आपको रोड के बीच में मिला या कहीं पे मिला आप उसको उठा के नहीं खा सकते, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। सो एथिक्स आर सम ऑफ द रूल्स और स्टैंडर्ड्स व्हिच आर सेट अप बाय अ पर्टिकुलर सोसाइटी। सो बायो एथिक्स की अगर बात करें, सो बायो एथिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सो बायो एथिक्स का मतलब सर्टन रूल्स और स्टैंडर्ड्स सेट बाय द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, और सेट बाय द नेचर, आप बोल सकते हो नेचर के लिए जिन्हें सेट किया हो। सो एथिकल इश्यूज क्या है, व्हाट आर दोज एथिकल इश्यूज, सो एथिकल इश्यूज की अगर मैं बात करूं, बायो एथिकल इश्यूज, सो दैट इज जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, जेनेटिक engineering dilutes the concept of species, dilutes the concept of species। ठीक है, अभी आप जब बात करते हो biology की तो आपने biological classification में group बना रखा है species, but अब जब genetics की बात कर रहे थे, आपने genetic वाला chapter देखा तो आपने note किया होगा कि अगर देर इज एक स्पीसीज, स्पीसीज ए एंड देर इज अनदर स्पीसीज बी, ये दो अलग अलग स्पीसीज है, दे कैन नॉट मेट विद ईच अदर इन द नेचुरल हैबिटेट और द एनवायरनमेंट, बट आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या कर रहे हो, इनके जीन्स ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, आपने इंसेक्ट में से जीन लेके प्लांट में डाल दिया, प्लांट से लेके इधर डाल दिया, ये कर दिया, ह्यूमन जीन लेके गाय में डाल दिया, तो आप दो अलग अलग स्पीसीज के जीन्स को क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। तो जो कंसेप्ट होता है स्पीसीज का, अगर कोई स्पीसीज ए के पास और स्पीसीज बी के पास सेम नंबर ऑफ जीन्स अगर हो गए, सेम टाइप ऑफ जीन्स हो गए, तो ये अलग अलग स्पीसीज थोड़ी रहेंगे, दे वुड बिकम सेम। तो जो स्पीसीज का कंसेप्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग डाइल्यूट्स जो स्पीसीज का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज
द स्पीसीज वुड शेयर द सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल, द सेम टाइप ऑफ जीन्स. ह्यूमन के पास कोई एनिमल का जीन आ गया, कोई एनिमल के पास ह्यूमन का जीन आ गया, तो ये तो मिक्सिंग हो गई जीन्स की. स्पीसीज के पास तो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो दूसरी स्पीसीज के पास नहीं अवेलेबल होते, एंड दैट इज वॉट मेक्स द स्पीसीज डिफरेंट. बट जीनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये जो डिमार्केशन था बिटवीन स्पीसीज वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. दैट इज वेरी रॉन्ग. सो दिस इज वन ऑफ द एथिकल इश्यूज. देन राइट दिस डाउन. Cruelty against animals, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि आप rabbit को use करोगे as a bioreactor, मतलब आप rabbit की body को use करते हो to produce certain recombinant products, ठीक है. आप काफी सारे animals को use कर सकते हो, जैसे कि आपने बात करा था Andy का, तो Andy में आप क्या कर रहे थे कि यार आपने recombinant DNA introduce करवा दिया, then you become satisfied that primates can be used for the production of the recombinant products. तो यहाँ पे जो animal है वो suffer करेगा ना, क्योंकि वो recombinant products के use में आएगा, recombinant products के production के use में आएगा. तो उस particular animal का खुद का कोई life cycle या life pattern नहीं हो पाएगा, he would not be able to enjoy his life. क्योंकि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप उसको bioreactor की तरीके से use कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीजेस, डिसीज मॉडल के लिए यूज कर रहे हो. तो दिस इज कंसिडर्ड एज क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, क्योंकि यहां पे मैं लिखूंगा दे आर यूज्ड एज फैक्ट्रीज, या फिर मैंने बोला था डिसीज मॉडल्स. सो द एनिमल हैज टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. सो दिस इज वेरी रॉन्ग. तो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो बायोएथिकल इशू. और तीसरी बात, ह्यूमननेस. ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज द टॉप ऑफ द स्पीसीज, है ना, एट द पिनिकल. अपन अपने आप को कंसिडर करते हैं. तो अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होगा, जीन्स को आप ट्रांसफर करो, ह्यूमन के जीन्स निकाल के दूसरे में डाल दिए, दूसरे के जीन्स लेके ह्यूमन में डाल दिए. तो जो ह्यूमन कैरेक्टर, जैसे ये मैं बात कर रहा था स्पीशिएशन की, स्पीशीज की मैं बात कर रहा था, ह्यूमन इज अ स्पीशीज, एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीशीज है. तो उसकी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, ह्यूमननेस, वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि अलग स्पीसीज है और ह्यूमन जो है उनके बीच का जो डिमार्केशन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना. सो क्वालिटी ह्यूमन जीन्स के पास है, वही क्वालिटी ऑफ जीन्स विल बी प्रेजेंट विद ईच एंड एवरी एनिमल विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आप चाहो तो. तो जो यूनिक आइडेंटिटी थी ह्यूमन की, ह्यूमननेस जो थी, वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. सो दिस आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज विच द जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनीज या बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी वो फेस कर रही, ठीक है. देयर आर मेनी मोर ऑफ इट, बट विल कीप दिस मच, ठीक है. Because see, whenever you perform a biotechnology work, you are going against the law of nature, against the nature. Nature में वो चीज़ exist नहीं करती है, पर आप बनाते हो, ठीक है. जैसे अपन बात करते हैं in vitro fertilization, आपने पढ़ रखा है. तो in vitro fertilization में baby का formation आप tube में कर रहे हो, आप lab में कर रहे हो, ठीक है. मतलब baby का formation naturally होना चाहिए, but because of the human requirement, you are making babies in a lab, ठीक है. अब लैब में आप बेबीज बना रहे हो, तो सी पॉपुलेशन तो एक्सप्लोड हो रहा था, ठीक है. और आप भी एक्सप्लोजन में हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आप बेबीज का फॉर्मेशन कर रहे हो. अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती है, तो देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल इन द नंबर ऑफ बेबीज. बट अभी क्या हो रहा है, आईवीएफ की मदद से आप जिन लोगों को बच्चे नहीं भी हो रहे, उनको भी आप बच्चे बना के दे रहे हो. सो द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, ठीक है, क्लियर है. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, दे आर यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट सम हाउ इट इज अफेक्टिंग द नेचर एज वेल, ठीक है. सो आई कीप दिस मच फॉर द चैप्टर.
ठीक है. सो वी डन विद द चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू चैप्टर. ठीक है. सो इफ एनी डाउट ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है. और नोट्स बनाने के बाद अच्छे से फोटोग्राफ्स क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके, चलो बाय बाय.